एक बिग न्यूज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वैलेंटाइन डे और यहाँ का जो वैलेंटाइन डे होता है वो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया में हम सोचते हैं कि वैलेंटाइन डे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यूएस आके मुझे पता लगा कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ हस्बैंड वाइफ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, भाई बहन सेलिब्रेट कर सकते हैं, या आप वैलेंटाइन डे पर अपने बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चे भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही लिमिटेड नहीं होता है। तो मैंने भी चैरी के लिए कुछ शीन से, पहली बार मैंने शीन से कुछ कपड़े मंगवाए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर मुझे आज चैरी के स्कूल भी जाना है क्योंकि वहाँ पर वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन है। तो यहाँ वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन कैसे होता है स्कूल में, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये ऐसा कुछ आया है, दिखने में तो ये अच्छा लग रहा है, पतला लग रहा है इसका मटेरियल। और दूसरा जो है उसमें ये पैंट आया है लेदर वाला, कैसा है। और ये उसका जैकेट है। पहले तो मुझे लगा था कि शीन से जो कपड़े आते हैं ना वो फेक होते हैं, तो मुझे पहले डर भी लग रहा था थोड़ा कि क्या पता ये कपड़े आएंगे भी या नहीं, या ये कैसे आएंगे। तो ये तो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो बस अब मुझे थोड़ा बहुत कुछ घर का काम करना है, फिर हम चैरी के स्कूल में मिलते हैं। बस अब हम चैरी के स्कूल जा रहे हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन के लिए, और इस बार ये लास्ट स्नो है और ये काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गया है। तो काफ़ी अच्छी निकली हुई है, लेकिन अभी भी जो टेम्परेचर है वो -3 है, तो बहुत देर तक तो फिर भी हम बाहर नहीं रह सकते हैं। तो फिर बस हम स्कूल चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे ये लोग वैलेंटाइन डे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। कार के ऊपर अभी भी स्नो है, हमने क्लीन नहीं किया था, लेकिन मुझे अभी जो बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये कार के ऊपर का ग्लास हमने ओपन किया है, पूरा ग्लास के ऊपर स्नो जम रही है। काफी इंटरेस्टिंग है, पता नहीं हवा चल रही है, मुझे लग नहीं रहा वीडियो में इतने अच्छे से दिख रहा है, लेकिन स्नो ऐसे उड़ उड़ के आ रही है। तो स्कूल हम पहुंच गए हैं और स्कूल में टीचर्स के लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं। फिर मैं क्लास में गई और वहाँ पे और भी पेरेंट्स थे, एज ए वॉलेंटियर आए थे, और फिर हमने दो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज़ करी। फिर हमने एक छोटी सी मूवी देखी और उसके बाद हमने रेड कलर की ग्लास से बच्चों के साथ मिलकर एक हार्ट बनाया और फिर हम निकले स्कूल से। स्कूल में हमारा वैलेंटाइन डे फंक्शन फिनिश हो गया है और अब हम फिर से घर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने हीटर ऑन करके रखा हुआ था। तो मैं दिखाती हूँ, ऊपर जो सारी स्नो जमी हुई थी कार के ऊपर वो सारी पिघल गई है, अब पूरा क्लीन हो गया। हम जा रहे घर, और फिर अब घर जाके हम देखने वाले हैं कि चेरी को वैलेंटाइन डे के गिफ्ट में क्या क्या मिला है। ये घर वाइट वाइट इतने अच्छे लग रहे हैं ना मुझे, मतलब स्नोफॉल के बाद सब कुछ वाइट बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अब आ गया है हमारा घर, इतनी सारी स्नो है, पूरा पैर अंदर घुस गया। चेरी, मजे आने। ओके, हम देख रहे हैं कि आज चेरी को वैलेंटाइन डे पर क्या क्या गिफ्ट्स मिले। तो चेरी दिखाओगी? हाँ, निकाल के। पहले ये वाला ओपन करें। हाँ। ओह, स्क्वीजी टॉय। अच्छा है? है ये। और ये इतने सारे गिफ्ट्स हैं, बैग के अंदर डाले हैं बच्चों ने, एक एक करके अपने गिफ्ट्स जो भी वो लेके आए हैं। तो हम देखते हैं एना ने, तो सबने ऐसे कुछ कार्ड्स दिए हैं और उसमें ये स्टिकर्स हैं, ऐसे कुछ स्टिकर्स हैं। ओ, एक बैग में से ये रिंग भी मिली है मुझे, मैं ऐसा स्ट्रो दिया है कि कुछ कैंडीज हैं, ये प्ले
प्ले डाउ भी दिया है, एक फ्रेंड ने इसको प्ले डाउ दिया है। शेरी के बेस्ट फ्रेंड ने उसको ये ब्रेसलेट दिया है। ऐसे इसमें कुछ लेगोज हैं और वैलेंटाइन डे कार्ड है। ये कार्ड मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, पत्ती निकल नहीं रहा है। क्यूट कार्ड है। वैलेंटाइन डे पे अगर लड़कियों को इतने सारे गिफ्ट मिले तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ सिर्फ लड़कियों को नहीं, क्लास के सारे बच्चों को मिले हैं। ये कुछ बच्चों ने चेरी को ऐसे लेगोज दिए हैं छोटे छोटे। ये एक और लेगो है। इसमें चॉकलेट्स है। ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। और कुछ कुछ कैंडीज हैं ऐसी है। इसमें एक पेंसिल है और क्यूट सा डायरी है। और पापा का वैलेंटाइन डे गिफ्ट आएगा चेरी के पास। हेलो मॉम, कैसा लगा है? अच्छा अच्छा। अरे चेरी को तो कपड़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस उसको वही देखना है कि उसके फ्रेंड्स ने उसको क्या क्या गिफ्ट दिए। तो यहाँ वैलेंटाइन डे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट होता है। आप किसी के भी साथ वैलेंटाइन डे मना सकते हो। तो आई होप आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज तो आपने बहुत सारा स्नोफॉल भी देख लिया है और वैलेंटाइन डे भी देख लिया है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।